हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आप बहुत ही ज्यादा इजी वे से समझ सकते हो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपको लगाव होना शुरू हो जाएगा। राइट यार, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो जो आपका लॉजिकल ब्रेन होता है वो काफी हद तक डेवलप हो जाता है। बेसिकली हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट एक राइट। राइट तो जो लेफ्ट पार्ट होता है वो होता है लॉजिकल ब्रेन, और जो राइट पार्ट होता है वो होता है हमारा क्रिएटिव ब्रेन, या फिर आप इमोशनल ब्रेन कह सकते हो। तो जब आप मैथमेटिक्स को रेगुलर वे से प्रैक्टिस करोगे तो जो आपका लेफ्ट पार्ट है यानी कि जो लॉजिकल ब्रेन है वो काफी हद तक डेवलप होने लगता है। जैसे ही आपके लॉजिकल ब्रेन डेवलप होने लगता है तब उसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो भी आपके लाइफ में अभी सिचुएशन चल रहा है, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तब आप लॉजिकल वे से डिसीजन ले सकते हो। आप इमोशनल डिसीजन ले लोगे अगर आपका लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो रहा होगा। राइट तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स के काफी सारे फायदे हैं यार। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखा जाए। राइट तो सबसे पहला जो टिप है हमारे पास, टिप नंबर वन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। टिप कहता है फॉरगेट ऑल कंसेप्ट एंड लर्न फ्रॉम स्क्रैच। मान लो आप किसी एक नए कोर्स में एडमिशन लिए हो या फिर आप आज से मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो, तो आपने कोई एक टॉपिक को पकड़ा भी। राइट मान लो कि आप अभी फंक्शन पढ़ रहे हो, आपने पहले भी फंक्शन के टॉपिक को पढ़ चुके हो आप। राइट बट उसके सारे भी कुछ अधूरे ज्ञान आपके पास है और अभी आप पढ़ने जा रहे हो, तो अगर आप अभी के ज्ञान को और जो पहले आपने पढ़ रखा था उसके ज्ञान को अभी मिक्स करोगे तब सारा मिक्सअप बन जाएगा, तब आप चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। हाँ अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ चुके हो चीजों को आप, तब बात अलग है। अगर आपको पहले भी टॉपिक समझ नहीं आया था और अभी भी आप उसी ज्ञान को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हो तब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप कोई नए कंसेप्ट को सीख रहे हो, तब ये मान के चलो कि आपने इसे पहले कभी नहीं पढ़ा है। राइट जब भी प्रोफेसर लेक्चर्स दे रहे होते हैं तब आप अपने आप को ऐसे कंसिडर करना कि यार आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर आप स्क्रैच से पढ़ना शुरू करो। कोई एक बुक को कंसिडर कर सकते हो आप, या फिर किसी प्रोफेसर के पास में जा सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तब आप पूछ सकते हो। ढेरों सारे वीडियोस है यार यूट्यूब में, भरे पड़े हैं, ज्ञान भरे पड़े हैं यूट्यूब में, आप वहां से भी चीजों को सीख सकते हो। राइट तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको एरोगेंट नहीं होना है, आपको मैथमेटिक्स सीखने के टाइम स्टाइल नहीं मारना है कि यार मुझे सब कुछ आता है, वो चीजें हमें नहीं करनी है। सबसे पहले हमें हम्बल होके चीजों को देखना है और हमें ये कंसिडर नहीं करना है कि हमें तो सब कुछ आता है। राइट ओके ये था पहला टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे पास में रिस्पेक्ट द डेफिनेशंस। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है यार। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स में अच्छा नॉलेज चाहिए, तो दो फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है डेफिनेशन, दूसरा है प्रूफ्स। तो यार इस वीडियो में मैं डेफिनेशन के बारे में अच्छे से बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारे होंगे उसमें मैं आपको प्रूफ राइटिंग के बारे में भी बताऊंगा। राइट तो हमें डेफिनेशन को रिस्पेक्ट देना है। हम डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं? हम डेफिनेशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में वो पूछा जाता है। राइट लेकिन मैथमेटिक्स का जो सारा कंसेप्ट है वो सब कुछ डेफिनेशन में ही छुपा है। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के सीखोगे, तोड़ तोड़ के समझोगे, तब आपको आधा कंसेप्ट वही समझ आ जाएगा। जैसे ही आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ने के बाद एग्जांपल्स को समझोगे, जो भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है, जो भी रूल दिया गया है, तब आप आधा मैथमेटिक्स को वही समझ जाओगे। राइट तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो जो डेफिनेशन है उस पे सबसे ज्यादा हमें टाइम देना है। राइट ओके नेक्स्ट हमारे पास में टिप है रिवाइज एज मच एज You can। हमें उतना रिवाइज करना है यार जितना हम रिवाइज कर सकते हैं। जितना हमारे पास में टाइम अवेलेबल है हमें उतना टाइम सिर्फ और सिर्फ रिविजन को देना है।
जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, आपने स्क्रैच से पढ़ना शुरू किया है, आपने डेफिनेशन पे ध्यान दिया है, आप डेफिनेशन के बाद एग्जांपल्स को भी देख रहे हो, उसके बाद आपको रिवाइज वाले सेगमेंट में जाना है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप वक्त दोगे किसी भी चीज को, जितना आप वक्त दोगे तो यार लगाव खुद ब खुद हो जाएगा, राइट? तो इस बात को ध्यान देना है कि हमें जितना हो सके रिवाइज करना है कंसेप्ट को। समझ नहीं आ रहा है, उस मैथमेटिक्स के साथ में थोड़ा देर बैठो, चीजों को एनालाइज करो, समझने का कोशिश करो कि यार आप गलती कहाँ कर सकते हो। जितना आपके पास में नॉलेज है, जितना आपने सीख लिया है, क्या उतना काफी है या फिर कुछ और पढ़ने का जरूरत है? अगर आप IIT JEE का तैयारी कर रहे हो, CSIR NET का तैयारी कर रहे हो, TFR NBHM किसी का भी तैयारी कर रहे हो, तो यार क्वेश्चंस तो आपको भर भर के लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट आने चाहिए। कंसेप्ट कैसे सीख पाओगे? जब आप स्क्रैच से शुरू करोगे, डेफिनेशन पे ध्यान दोगे, राइट? डेफिनेशन के साथ में एग्जांपल्स को पढ़ोगे, और साथ साथ में डेफिनेशन क्लियर है तो यार रिवाइज भी आप कर सकते हो, राइट? ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, या फिर डिस्कस दिस टॉपिक। वैसे अगर हम किसी भी मुद्दे के बारे में बात करना हो, हम बात करते हैं पॉलिटिकल व्यूज के बारे में, रिलीजियस व्यूज के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, राइट? लेकिन हम कभी भी फ्रेंड्स के साथ में ये सारे टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं। और एक बात आपको पता होगा, जो भी चीजें आप ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करोगे, वही सारी चीजें आपके माइंड में भी चलती रहती हैं, राइट? अगर आपको मैथमेटिक्स से सच में लगाव आपको होना है, तब आपको क्या करना है यार, आपको चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप अपने जो भी चीजों को पढ़ चुके हो, आप किसी भी कंसेप्ट को आपने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करो, प्रोफेसर के साथ में डिस्कस करो, राइट? तब आपको और भी ज्यादा ब्रॉड विजन दिखने मिलेगा, काफी सारे डायमेंशंस आपको और पता चलेंगे कि यार आप किस वे से और समझ सकते थे चीजों को, किस वे से और एक्सप्रेस किया जा सकता है चीजों को, राइट? तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इन चारों पॉइंट को अच्छे से फॉलो करते हो, आप स्क्रैच से पढ़ना शुरू करते हो, आप डेफिनेशन पर फोकस करते हो, आप बहुत ही ज्यादा रिवाइज करते हो चीजों को। अगर आपने एक मैथमेटिक्स को 5 बार आपने कर लिया, फिर से करने का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि यार हमारा कंडीशनिंग ऐसा हो रखा है, अगर हम A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सीख लिए, हम तब तक ये नहीं सीखते हैं जब तक हम इसका फुल एक्सरसाइज को रिवाइज नहीं करते हैं, फुल एक एक्सरसाइज नहीं लगाते हैं, तब तक ये फॉर्मूला हमारे माइंड में घुसता ही नहीं है। इस तरह की कंडीशनिंग हमारी हो चुकी है, तो इसीलिए यार हमें रिवाइज जितना हो सके करना है। जिस भी कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लो। क्वेश्चंस फ्रीली अवेलेबल है यार इंटरनेट में, काफी सारे टफ एग्जाम्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, TFR के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, नेट के क्वेश्चन हैं, जेम के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को आप पिक करो और सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्कस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, डिस्कस तो आपको करना ही पड़ेगा। जितना डिस्कस करोगे, माहौल बनेगा और आप चीजों को समझना शुरू करोगे, आप चीजों को प्यार करना शुरू करोगे, राइट? तो यार ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और साथ साथ में अगर आप हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, तब आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो।